गढ़वा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन AIMIM पार्टी से डॉक्टर MN खान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर खान ने इस मौके पर अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर चुनाव लड़ने की घोषणा की और जनता की समस्याओं के समाधान का वादा किया। डॉक्टर MN खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र की उपेक्षित जनता की आवाज बनना है। उन्होंने अपने मुख्य मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि वे बिना भेदभाव के हर समुदाय की समस्याओं को उठाएंगे और क्षेत्र के विकास में प्रतिबद्ध है। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे, जो डॉक्टर खान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर खान की छवि एक जनप्रिय नेता की है, जो हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के साथ ही क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि डॉक्टर MN खान अपने चुनावी वादों और कार्यों के बल पर कितनी जनता का समर्थन हासिल कर पाते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथी को, यहाँ की गणमान्य जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जो है आज जो नॉमिनेशन का हुआ उसमें आप हमारे कवरेज को लेकर या तमाम जो जनता की बातें हैं उसकी ताकत हिम्मत आपके सामने उस नुमाइंदे के रूप में मैं खड़ा हूँ कि आज मजलिस जो है कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे नाचीज को जो है कि उन्होंने दोबारा मौका गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का टिकट दिया। और यहां पर तो विचारधारा की लड़ाई है कि जो वादा ये वर्तमान की जो सरकार की है या पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों को रोजगार के नाम पर, किसानों को खेत के पानी के नाम पर, पीने के पानी के नाम पर, या यहाँ पर पलायन के नाम पर, या कल कारखाना उद्योग लगाने के नाम पर इन लोगों ने सरकार बनाया। 24 साल का हो गया झारखंड, लेकिन 24 साल के दरमियान ना नीति आयोग बना, ना कोई पिछड़ा आयोग बना, ना यहाँ जो है उर्दू एकेडमी बना, ना यहाँ पर जो है उर्दू बोर्ड बना, ना उस्तानिया फुकानिया का बोर्ड बना, ना नौजवानों को रोजगार दिया गया। यहाँ पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग, यहाँ सामान्य परिवार के लोग, जिनका जो है कि आज स्थिति जो है कि बद से बदतर हो गया है, हालात बदल गए। सर आप ऐसे बोल रहे हैं और मंत्री मिथिलेश जी बोल रहे हैं कि अगर विकास के नाम पे वोट मिला तो विरोधियों का जमानत जब्त हो जाएगा। अगर विकास देखना है मंत्री जी के अनुसार तो कभी रमकंडा, कभी डंडा, कभी चिनिया के सुदूर इलाके में चल के देखने की जरूरत है। अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अगर इनको लगता है कि हमने विकास किया है तो जाके जनता की अदालत में है, जनता इसका जवाब मतदान के में करने का काम करेगी। चुनाव जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपकी प्राथमिकता क्या? मेरा प्राथमिकता है रोजगार, शिक्षा, रोजगार और शिक्षा, पलायन, ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा। ये सरकार जो वादा किया था आप लोगों के दरमियान जनता के बीच में 2019 में कि मेरी सरकार, मेरी हुकूमत बनी, तो मैं यहाँ पर 12 शिक्षक, सहिया, सहायिका, जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायक पुलिसकर्मी और यहाँ के जो ज़मीन है, जो ज़मीन का जो है गैरमजरूआ ज़मीन है, उसका 3 महीना में पट्टा देने का काम करूँगा। 12 शिक्षकों को 3 महीना में जो है कि अस्थाई करने का काम करूँगा। लेकिन ये सिफंडी सारी बात जो है कि इनका जो है खोखला निकला, ये जनता का काम नहीं कर पाए। इसलिए मजलिस जो है कि यहाँ से मजबूती के साथ 2019 से अभी तक लगातार जनता के बीच में, चुनाव हारने के बावजूद, कोई चुनाव जीतना हारना मेरा नीति वो नहीं है, मेरा विचार है कि जनता का सेवा होना चाहिए। आज यहाँ पर जितना कल कारखाना उद्योग या किसान का जो ज़मीन बर्बाद हो रहा है, अगर उद्योग होता यहाँ पर, कल कारखाना होता यहाँ पर, जो है किसानों को पानी होता, तो आज यहाँ का हालात बदलता। आज आप देखते हैं कि लगातार सुखाड़ का दंश जो है कि गढ़वा रंका विधानसभा या पलामू प्रमंडल झेलता है। सुखाड़ के मामले में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरह का खनन उद्योग को जो है देख लीजिए, सारे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया, बहुत सारी समस्याएँ हैं। इस समस्या को देखकर मेरा प्रायोरिटी, जैसा कि आपने पूछा सवाल, क्या तो बस युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य, चिकित्सा, राशन, किराशन, जो चीज़ है, जो जिनमीन, जो आपको लोकतंत्र में, जो आपको संविधान में या जो सरकार को देना चाहिए वो मिलना चाहिए। आमजनों को क्या अपील होगी? आमजनों से मैं अपील करता हूँ कि आपने सभी को मौका दिया है,
आपने सभी को मौका दिया है, एक बार इमरान खान को मौका दीजिए। अगर शिकायत हो तो आपका घर का बेटा, गढ़वा टाउन का बेटा, कोई मुझे इमरान खान के नाम से जानता है तो कोई लड्डू भैया के नाम से जानता है। ये मोहब्बत है लोगों का, एकदम हक के कहता है कि लड्डू भैया आ गए, तो ये मोहब्बत है, ये चाहत है। तो मैं आप सभी लोगों से, पूरे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि आप कामयाब करके देखिए। अगर मैं आपकी बातों में खरा नहीं उतरा तो मुझे लगेगा कि मैं कोई गलत काम किया, तो मैं विचार शायद राजनीति में ना रहूं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेशे से डॉक्टर